जेआईटी ने एसईसीपी, नैब, एफबीआर और इंटेलिजेंस ब्यूरो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहा एसईसीपी ने शरीफ फैमिली का इंक्वायरी रिकॉर्ड तलाश करने से मना किया। चेयरमैन के हुक्म पर शुगर मिल का रिकॉर्ड तब्दील किया गया। चंदर खान के अहले खाना को हिरासा करने का इल्जाम भी धर दिया। पानामा जेआईटी की सबसे अहम और बड़ी पेशी होगी कैसी? क्या नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम पेश होंगे या इख्तदार का जाहो जलाल बाहर छोड़ जाएंगे? क्या वजीर आजम को भी करना पड़ेगा इंतजार? क्या नवाज शरीफ भी हुसैन नवाज की तरह वैसी ही कुर्सी पर बैठेंगे? जेआईटी का रवैया कैसा होगा? वजीर आजम की पेशी मौजू बहस बन गई। पेशी से पहले इस्लामाबाद की सड़कें वजीर आजम के हक में बोल पड़ी। जगह जगह नवाज शरीफ के हक में बैनर्स लग गए। इस्लामाबाद की भूली बसरी सड़कों की किस्मत चमक उठी। रगड़ रगड़ कर धुलाई और सफाई। वजीर आजम ने मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेशी पर कारकुनों को जुडिशल अकेडमी आने से रोक दिया। तर्जुमान नून लीग आसिफ करमानी कहते हैं वजीर आजम को मालूम हुआ था कारकुन यकजहती के लिए आना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। नून लीग वजीर आजम की पेशी पर ताकत दिखाने का प्रोग्राम बना रही है। गुल्लुओं की तैयारी की भी इतलात हैं। जेआईटी के सामने इस किस्म का तमाशा लगाने की इजाजत नहीं देंगे। कप्तान का दो टोक ऐलान। फवाद चौधरी बोले नून लीग के लिए ये वक्त तैयारी का नहीं शर्म करने का है। वजीर आजम सऊदी अरब का हंगामी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। शाह सलमान से मुलाकात में कतर तनाजे और इत्तेहाद उम्मत पर गुफ्तगू। वजीर आजम कहते हैं तवक्को है मौजूदा सूरत हाल मुस्लिम उम्मा के बेहतरीन मफाद में होगी। वजीर आजम के दौरे सऊदी अरब का मकसद सूरत हाल से आगाही हासिल करना था। वजीर आजम ने शाह सलमान से खतर तनाजे की वजूहात मालूम की। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। कहा देखना होगा सालसी मुमकिन है या नहीं, जरूरत पड़ी तो नवाज शरीफ तुर्की से राबता करेंगे। सऊदी इतिहाद का मकसद क्या है? राहील शरीफ को किन शराइत पर एनओसी दिया गया? खुर्शीद शाह के कौमी असेंबली में हुकूमत से ताबड़तोड़ सवालात। कहा मुशीर खारजा की ब्रीफिंग तस्लीम नहीं करेंगे। वजीर आजम खुद आकर ब्रीफिंग दें। यकीन दिलाता हूं कोई नारेबाजी नहीं होगी। अपोजिशन का खलीजी बहरान पर पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाने का मुतालबा। एमक्यूएम के रुकन असेंबली मोहम्मद कामरान ने सिंध हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। बोले ये सखर के घंटा घर का घंटा तो ठीक नहीं कर सके, बाकी क्या करेंगे। घंटा घर के हवाले से मशहूर है कि वहां पर एक बहुत बड़ा घंटा घर है जो सखर शहर की पहचान है। उस घंटे घर का जो घंटा है सर, वो तो इस सिर्फ गवर्नमेंट से सही हो नहीं सका, तो बाकी क्या चीज सही होगी। ऐवान में तनकीद खुशामद से मुजयन शायरी की भी गूंज। तुझे कुछ गरीबों की परवाह नहीं, वडेरे हैं प्यारे दुलारे तेरे, इधर से लिया कुछ उधर से लिया, यूं ही चल रहे हैं इदारे तेरे। पेशावर का हयातआबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मैदान जंग बन गया। पुलिस ने एहतजाज करते यंग डॉक्टर्स पर डंडे और लाठियां बरसा दी। दो डॉक्टर जख्मी, 17 गिरफ्तार। अस्पताल बंद किए तो इंतजामिया हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकती। वजीर सेहत शहराम तरकई की वार्निंग। अमीन मुकाम ने मसीहाओं पर तशद्दुद शर्मनाक करार दे दिया। कराची में गैंग वॉर और टारगेट किलिंग के खात्मे के दावे हवा हो गए। लियारी गैंग वॉर कारिंदों की गुलिस्तानी जौहर में फ्लैट में घुसकर फायरिंग। बाप बेटा कत्ल, बेटी जख्मी। मुकदमा गैंगस्टर अरशद पप्पू ग्रुप के खिलाफ दर्ज। मॉनसून सीजन में खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब का खदशा। बड़े शहरों में सैलाबी रैले भी आ सकते हैं, एनडीएमए ने खबरदार कर दिया। मुतल्लिका इदारों को सैलाब से बचाव के हिफाजती इकदामात करने की हिदायत।
इराक में दाइश के खिलाफ जंग फोर्सेज ने मोसुल के एक और जिले पर कंट्रोल हासिल कर लिया। शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली का अमल जारी।